पश्चात में शिक्षा गुरुपाल दसमा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाल अष्टोत्तर सतर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लक्ष्मी नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजनि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाधिक प्रणाम करता हूँ। श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। आज है ये अन्नकूट महोत्सव है। आज अभी थोड़ी देर में हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन में जाएंगे। हम लोग बड़े भाग्यवादी हैं, कृष्णा अपना हाथों से जो गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने अभिषेक की परिक्रमा लगाए, हम लोग आज वो स्थान को जाएंगे और उनको दर्शन करेंगे। कहते जो गिरिराज गोवर्धन ये कौन है और ये आए कहाँ से और क्यों आए, आज हम थोड़ी सी इसी विषय पर हम लोग विवेचना करेंगे। एक समय कृष्ण गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी को बोले, बोले देखो राधे, मैं ये मरते जगत में लीला करने जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर निधुवन निकुंजवन नहीं, जहाँ पर नंदगाम बरसाना नहीं, जहाँ पर द्वादश वन उपवन नहीं, फिर मैं वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? तब कृष्ण बोले देखो राधे, मैं जब जाऊँगा ना मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा। ये जो बोलोगे वृंदावन देख रहे हो, ये पूरा के पूरा में ये मरते जगत में उतार दूंगा। तो भी चलोगी, तेरे पिता माता भी चलेंगे, विश्वास महाराज कृतिका सुंदरी, तेरी जो सखियाँ ललिता विशाखा चंपक लता सुब विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी, ये सब के सब चलेंगे, अष्टम अंजलि चलेंगे, हैं ये सब। और मैं, मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखा, मेरे पिता माता, ये सब चलेंगे, हम थोड़ी अकेले चलेंगे, पूरा ये गोलोक वृंदावन को मरते जगत में उतार दूंगा। राधा रानी बोली ठीक है, फिर तुम्हें चलो। राधा रानी राजी हो गई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो गिरिराज गोवर्धन है कौन, तब ये हमारे भविष्य पुराण में बताए, बोले प्रकृति है ये मनसा जात। कहते प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी, कहती है राधा रानी के मन से ही ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुआ। और गर्ग संहिता के हिसाब से कृष्ण के नेत्र से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुआ। जब श्री गिरिराज गोवर्धन कभी सालमल द्वीप में कहते द्रोण और धरा, द्रोण द्रोणाचल पर्वत इनकी पिता, ये धरा मतलब पृथ्वी, इनकी बच्चे बनकर के गिरिराज जिस समय गोलोक वृंदावन से ये मर्त्य जगत में प्रकट हुए, जितने देवता लोग थे सबके सब स्वर्ग लोक से सबके सब पुष्प की बौछार की और श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने जयकार लगाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। आवाज नहीं आ रही। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। इसलिए सबके सब देवता लोग उनको जय जयकार दी। कहते गिरिराज गोवर्धन फिर यहाँ पर कैसे आ गए, फिर इसका विषय में दो कथा। पहला कथा दी है बोले जिस समय भगवान राम अभी अयोध्या हैं, अभी जाना चाहते हैं लंका, कि उस माता सीता को उधार करना चाहते हैं, उसी समय में समुद्र ने राम को बोले बोले प्रभु आपके साथ में दो बंदर है, एक नल और एक नील, इनको ऋषियों का वरदान और अभिशाप भी है, हैं ये बचपन में बड़े नटखट थे। एक ऋषि जब भजन करते थे इनको सब सामान होता था पंच पात्र और सुशासन, ये दो बंदर किया करते थे उठा करके, बंदर है ना हम कहते हैं तो बदर हम कहते हैं, इसलिए वो सबके सब पानी में फेंक देते थे। अब ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने देखा क्या करे, लेकिन वो ऋषि त्रिकाल दृष्टा, उन्होंने देखा भविष्य में ये दोनों प्रभु का राम की सेवा करेंगे। बोले तुम दोनों को मैं अभिशाप देता हूँ, वरदान देता हूँ, जो चीज पकड़ करके तुम फेंकोगे पानी में वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। तो ये नाल और ये नील थे। समुद्र ने बोले प्रभु आपको साथ में दो बंदर हैं, नाल और ये नील है, इनको वरदान है, जो चीज को स्पर्श करके फेंकेंगे डूबेगा नहीं तैरेगा।
आप पत्थर लाओ और इन दोनों का हाथ में स्पर्श कराओ और उसको ऊपर में श्री हनुमान जी राम का नाम लिख दे, बस छोड़ो अपने आप तैरना है। इतने में सेतु बांधना शुरू हो गए। अभी हनुमान जी सोच रहे थे बड़े से बड़े पत्थर कहीं मिले जल्दी ले आओ और जल्दी जल्दी सेतु बांध जाए और माता सीता की उद्धार हो जाए। इसलिए हनुमान ढूंढ रहे थे बड़े से बड़े पत्थर कहाँ से मिलेगा। जब उन्होंने सालमल पीठ में पहुंचे तब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को देखा विशाल पर्वत। अभी तो गिरिराज गोवर्धन धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, पहले 64 मील ऊंचाई लंबाई 14 वैसे, इसलिए इनका नाम गिरिराज मतलब क्या गिरी में जो सर्वश्रेष्ठ, ये पहले हम कहते हैं हिमालय एवरेस्ट इनसे भी ऊंचाई की गिरिराज गोवर्धन। बोले वाह अगर ये पर्वत को उठा करके ले जाओ ना ये जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी। इसलिए हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा के पूरा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठा लिए। उठा करके ला रहे थे, लाते लाते अभी जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए इतने में पुल बंधना समाप्त हो गया। भगवान राम बोले सब बंदर को बोल दो और पर्वत की जरूरत नहीं क्योंकि पुल बंधना कंप्लीट हो गया। इतना कष्ट करके जरूरत नहीं, जहाँ लाए वहीं पर रख दिए। हनुमान जी गिरिराज को अभी जहाँ पर वहीं पर रख दिए। जब रख दिए लेकिन गिरिराज कौन है, वो तो गोलोक वृंदावन से श्री प्रिया प्रियतम की सेवा करने के लिए आए। इतने में गिरिराज रोने लगे, बोले इतना दूर से मेरे को लाए हो, अगर और थोड़ी दूर ले जाते तो प्रभु राम स्वयं चल करके लंका विजय करते और प्रभु का चरण भक्तों का चरण स्पर्श मिलता, माता सीता की सेवा में लग जाता, मेरे को अपने यही रख दिया। हनुमान जी बोले कोई चिंता मत कर गिरिराज, यही राम जी द्वापर युग में शाम श्याम बन करके आने वाले हैं। अभी तो अब थोड़ी समय के लिए थोड़ी सी सेवा में लगते हैं लेकिन जब भगवान कृष्ण राम जी श्याम बन करके आएंगे तेरे को सात सात दिन तक कनिष्ठ अंगुल पर तेरे को उठा करके रखेंगे, उसको नीचे सारे ब्रजवासी सात सात दिन तक विश्राम करेंगे और खूब आनंद लेंगे उत्सव मनाएंगे और तेरे ऊपर गैया चराएंगे हैं, तेरे ऊपर में बड़े सुंदर सुंदर लीला करेंगे। इसलिए कोई चिंता मत करो। कहते ये एक कथा है। बोले दूसरी कथा, कहते एक समय पुलस्त नाम के एक ऋषि वो रहते थे कहाँ पर, रहते काशी में। एक दिन भ्रमण करते करते जब उन्होंने पहुंचे कहाँ पर, सालमल द्वीप में, वहां पर द्रोण और धरा ऋषि को देख करके स्वागत किया, अहोभाग्य आज पुलस्त जैसे ऋषि हमारे घर में आए, इसलिए उनको उन्होंने स्वागत करके आसन दे करके उनको बैठाया सेवा किए। इतने में बोले ऋषिवर आपको क्या सेवा करें, लेकिन वो तो गिरिराज उनका पुत्र थे और गिरिराज को जब उन्होंने देखा ना मुग्ध हो गए। बोले क्यों, बोले इतने सुंदर गिरिराज को बर्तन कभी कर्णपुर वर्णना करते हैं आनंद वृंदावन चंपू में, गिरिराज गोवर्धन हमें तो शिला दिखती है, वो शिला नहीं वो हीरे जवाहरात मई है, वो जो पत्थर हमें दिखते हैं वो पत्थर नहीं वो हीरे जवाहरात असर किया मणि मणि बेदी, इसलिए मणि एक एक वृक्ष में हमें पता है एक वृक्ष में एक ही फल होता है, लेकिन देखा वहाँ एक वृक्ष में जिले चीकू भी है, अपेल भी है, अंगूर भी है, उसमें केले भी है, पपीता भी, एक वृक्ष में सारे फल। हमको पता एक वृक्ष में एक ही फूल होता है लेकिन उन्होंने देखा एक वृक्ष में पता नहीं जूई चमेली बेली केतकी मालती सब एक वृक्ष में, एक वृक्ष में एक तरह का पत्ता होता है, देखा वहां पर एक वृक्ष में सारे पत्ते लगे हुए, अद्भुत अद्भुत गिरिराज। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहि कुंज सत सत प्रवाल विद्रुम मय तरुणता ताहि कुंज सत सत। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर वर्णना करते हैं क्या है वहां पर मुक्ता फल है, हमें पता मुक्ता समुद्र में सीप में होता है लेकिन वहाँ वृक्ष में मुक्ता है। चिंतामणि मैं राधा कुंड तट, चिंतामणि से बनी हुई
अद्भुत क्या वर्णना करते हैं गोस्वामी लोग, अद्भुत रूप में क्या सुंदर सुंदर कुंज, नीले रंग के, पीले रंग के, सफेद रंग के पत्ते से, फूलों से बने हुए सुंदर सुंदर कुंज, अद्भुत श्री गिरिराज गोवर्धन और सुंदर सुंदर झरनाएं, क्या सुंदर सुंदर तालाब वहाँ पर, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अद्भुत अद्भुत। उन्होंने देख कर जीव में पानी आ गया, बोले क्यों रहते काशी, काशी में एकदम मरुभूमि, वहां पर कोई स्थान ही नहीं जहाँ पर बैठ करके फल फूल ग्रहण करते हुए भजन करे, कोई स्थान ही से नहीं। उन्होंने देखा अगर ये पर्वत किसी तरह से अगर हम ले जाए काशी ना, आज संत लोग बैठ कर खूब भजन करेंगे, मस्ती लेंगे, आनंद लेंगे। तो उन्होंने तब उनको पिता माता द्रोण धरा, बोले रिसीवर आपका हम क्या सेवा करेंगे, बोले एक चीज हमें दे सकते हो, बोले क्या, बोले आपका बेटे को दे सकते हो, अगर कोई आए बोले एक ही बेटा, बोले तेरे बेटे को दे दो, अब दे दो बेटे को, बोले ये ऋषि क्या मांग रहे, अरे रुपया धन दौलत साधु बाबा जो मांगो लोग कहते अपना बेटे को दे दो, वो अपना बेटे को कैसे दे दे। लेकिन उन्होंने देखा अगर नहीं दू वो ना हो अभिशाप दे दे, बाबा लोग बड़े गड़बड़ी है अभिशाप नहीं देते, इसलिए उन्होंने बोले ये बेटा जाएगा कि नहीं जाएगा, अब ये बेटे को ही पूछ लो, ये बेटे को ही पूछ लो। तब उन्होंने बोले चलो मेरे साथ में, अभी उन्होंने भी चक्कर में पड़े गए, अभी क्या करें हैं, अभी क्या करें। उन्होंने बात को घुमा दी, बोले दो दिन शर्त है, बोले साहब, बोले पहला नंबर शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊँ, मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरा शर्त है अगर कहीं अपवित्र आप हो गए, हाथ से नीचे उतार दिया, अपवित्र हो गए, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले कोई चिंता नहीं है, और ऋषि साधारण थोड़ी थे, बोले कोई चिंता मत करो, सारे शर्त मेरे मंजूर है। उन्होंने पूरा के पूरा हाथ में गिरिराज गोवर्धन को पूरा हाथ में उठा दिए, उठा करके चल रहे थे। चलते चलते अभी जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, वो आए क्यों, कृष्ण सेवा करने, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। उन्होंने देखा हे भगवान मेरे को ये काशी फांसी लगाने दे जा रही है, क्योंकि काशी फांसी लगाने मतलब कहते वहां पर सब ब्रह्म ज्ञानी जो साधु रहते हैं ना, वो भक्त नहीं है, वो सब कैसा मायावादी साधु है, ज्ञानी है, हैं जो अपना मुक्ति चाहते हैं, सुइसाइड, एक तरह का सुइसाइड है, इसलिए कहते स्पिरिचुअल सुइसाइड है, कहते मेरे को फांसी लगाने दे जा रहे हैं, कहां मरुभूमि और ये ब्रज रसभूमि है जहाँ पर स्वयं जुगल सरकार आकर के कितने प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीला करने वाले, और ये मेरे को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। इतने में उन्होंने ठाकुर जी का स्मरण किया, हे ठाकुर जी अपना श्री चरण में हमें सेवा की सौभाग्य प्रदान करो, आपकी सेवा करने के लिए तो मैं आया हूँ, मेरे ऊपर में कृपा करो। इतना बोलते ही ना ठाकुर जी ऐसे माया को फिराया, इतने जोर से उनको लघु संख्या लग गई, वो भूल गए सारे हैं, सब भूल गए जो उनने प्रतिज्ञा करके लाए थे, वो और ले नहीं पाए, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन उन्होंने वहीं पर रख दिया। जब वहीं पर रख दिया, अभी उन्होंने लघु संख्या करने के लिए बैठे तो घंटे तक अभी बंद नहीं, माया लगा दिया ना। जब उसको बाद में उठे उठे तो जब उन्होंने हाथ पैर धो धा करके संध्या करके गिरिराज को उठाने के लिए कोशिश किया ना, अरे गिरिराज बोले गिरिराज क्या बात है, उठो, बोला आपने क्या प्रतिज्ञा लिया था, हाथ से नहीं उतर गए, अपवित्र हो जाओगे तो मेरे को स्पर्श नहीं करोगे, सारे आपका प्रतिज्ञा खत्म, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाओगे, बोले नहीं, बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, तू पल पल में खीर सॉरी सा जैसे खीर होते जाओगे और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। ये अभिशाप सुन करके बोले इसलिए तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, कृष्ण आएंगे बड़े प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर जी लीला करेंगे, उनके लीला रस का आस्वादन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अगर कृष्ण आने से पहले अगर तीन तीन परिमाण अगर खत्म हो जाऊंगा दिन दिन, फिर तो मैं कुछ रहूंगा ही, इसलिए फिर ठाकुर को सेवा कैसे करूंगा। बोले एक ही काम करो, जब तक ठाकुर जी नहीं आकर लीला करते नहीं तब तक मैं पूरा के पूरा रहूं, और जब ठाकुर जी लीला करके चले जाए फिर अभी अभिशाप लागू। ऋषि तो साधारण थे नहीं, ठीक है ठाकुर को सेवा करना चाहते हैं, बोला अयम मस्त ऐसे ही हो।
इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन धीरे 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 दिन दिन ये तिल 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 दिखाई होते जा रहा है। इसलिए घोर कलयुग जब आएगा ये गंगा नहीं रहेगी, यमुना नहीं रहेगी है, ये गिरिराज गोवर्धन नहीं रहेंगे। और कलयुग आएगा मार पीटना सबके सब शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कलयुग में महाप्रभु आए हैं, क्योंकि ये कलयुग विशेष कलयुग है, ये कलयुग है। ये कलयुग में हो सकता है जगत में हरि भक्ति ज्यादा होएगा, लोग सबके सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन ऐसे ये गिरिराज प्रकट हुए। बोले ये गिरिराज की स्वरूप क्या है? बोले गिरिराज की दो स्वरूप है। कितना स्वरूप है? ये कितना स्वरूप है? दो तीन स्वरूप इनके। बोले कैसे? बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की। किसको? राधा कृष्ण को। जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में? क्या मेरे कोई सखा सखी बन कर? नहीं नहीं। बोले हम इतना सौभाग्य नहीं किया जो आपकी सखा सखी बन जाए। बोले बैठ, क्या कोई पशु पक्षी होगा जान? बोले बोले नहीं नहीं, वहाँ के तीर्ण पशु पक्षी भी सबके सब भगवान की सेवा करने वाले, आप भी सबके सब हाँ भक्त हैं। बोले क्या फिर वहाँ के कीड़े मकोड़े बन कर? बोले नहीं नहीं नहीं, वहाँ के कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं। बोले फिर कैसे? बोले अगर वहाँ पर पत्थर रूप में हमारी जन्म हो जाए, ठाकुर जी हमारे ऊपर में मधुर मधुर लीला करे, उनका चरण स्पर्श हो, अपना जीवन को हम धन्यवाद। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया के तीनों देवता श्रेष्ठ देवता हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करता स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ पर ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए, स्वयं शंकर जी वहाँ पर नंदीश्वर रूप में प्रकट हुए, और स्वयं श्री विष्णु गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए। बोले श्री गिरिराज महाराज इसलिए ये एक इनका स्वरूप है। कहते इनका दूसरा स्वरूप क्या है? कृष्ण एक स्वरूप में तो स्वयं पूजा किए और दूसरे स्वरूप में पूजा को ग्रहण किए हैं। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था। क्या क्या दिया था बोलो? गिरिराज लीला और गुंजमाला। बोले रघुनाथ ये जो गिरिराज है ये स्वयं कृष्ण, और ये गुंजमाला ये राधा जी का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर स्वयं महाप्रभु कहते ये कौन है? ये स्वयं कृष्ण है, ये कृष्ण गिरिराज गोवर्धन। कृष्ण का जो तीसरा स्वरूप क्या है? तभी राधा रानी कहती है अंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम मानम तनुति सहगो गणयोर वयसी। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती है जिनके मुंह से निकली क्या गिरिराज कौन है? हरिदास वर्ज, जितने हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। बोले कितने हरिदास हैं? बोले तीन हरिदास हैं। पहला नंबर श्री युधिष्ठिर जी महाराज, दूसरा नंबर श्री उद्धव जी, और तीसरा नंबर श्री गिरिराज गोवर्धन। एक हरिदास वर और एक हरिदास वर्ज, ये तीन हरिदास हैं, ये तीन हरिदास हैं। लेकिन ये तीनों हरिदास में ये सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है? बोले ये गिरिराज गोवर्धन ये सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्ज। इसलिए बोले कैसे? बोले गुरु यहाँ पर श्री कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक ये वेणु गीत का श्लोक है। ये कहाँ से श्लोक है? वेणु गीत का। राधा रानी कब ये श्लोक को बोल रहे हैं? सब याद रख रहे हैं ना, किस पर सुन रहे हो? सबको सब पूछूंगा क्या सुने। इसलिए उन्होंने बोले तीन कहते तीन हरिदास हैं। हाँ, इसलिए ये कौन कौन बोल रहे हैं? किसकी मुँह से निकली? ये श्री किशोरी जी राधा जी के मुँह से निकली। कहते ये श्लोक निकली कब और उन्होंने क्यों ये श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है, कारण क्या है? बोले कारण है वेणु गीत में श्री राधा रानी बैठी हुई अपना घर में सखियों के साथ में घर में बैठे हैं, कृष्ण अपना ग्वाल बालों को लेकर कृष्ण गए गोचारण करने के लिए गए। जब गोचारण करने के लिए गए अब
अभी राधा रानी अपना दिव्य दृष्टि से अपना घर में बैठी बैठी करके कृष्ण का रूप माधुर्य को वर्णना कर रहे हैं और सभी की महिमा को गा रहे हैं। किसकी बोले अगर जीवन में किसकी सौभाग्य किसका जीवन है, कहते मैं का जीवन सौभाग्य। बोले क्यों, बोले कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं उसी समय में ये जो मेघ है ना, कृष्ण का रंग भी काले मेघ भी काला, इसलिए कभी कभी होता है ना भैया तू भी काला मैं भी काला हम दोस्त है, इसलिए ये मेघ क्या सोचता है कृष्ण मेरे प्यारे दोस्त है, इसलिए कृष्ण के ऊपर में एकदम जब गोचारण करते हैं छतरी बन कर कृष्ण को छाया करते हैं और फुआरा में जैसे हम स्नान करते हैं ना, इसलिए वो कभी कभी फुआरा से भगवान को कृष्ण को पानी भी बरसाते हैं। अगर किसी जीवन धन्य है ये मैं का जीवन धन्य है, देखो कैसे कृष्ण सेवा करता है। और किसका जीवन धन्य है, कहते अगर किसकी जीवन धन्य है कृष्ण जब मधुर मधुर बंसुरी बजाते हैं उसी समय जितने हिरण आकर के कृष्ण को दर्शन करते हैं और हिरण क्या कर दर्शन करते हुए अपना आंखों से दर्शन नहीं कहते कृष्ण का आंख उठा, और हमारे पति तो अगर कृष्ण का नाम सुनते भड़क जाते हैं, कहाँ जा रही हो कहाँ पर गई थी, लेकिन देखो जब हिरणिया जब जाती है ना हिरण हिरणी पुरुष तो पीछे रहता है स्त्री को आगे कर देती है, हैं तू सामने रहो और हम पीछे रहते हैं। और जब हिरण पुरुष हिरण अपने आप को जीवन धन्य मानती, बोले क्यों धन्य मानती, बोले कम से कम हमारे पत्नी का तो भगवान की कृष्ण का प्रति रुचि है ना, हो सकता है इसी संबंध से हमारे जीवन भी धन्य हो जाएगा, लेकिन हमारा पति तो कृष्ण का नाम नहीं सुन सकते है? अगर धन्य हो तो हिरण का जीवन धन्य है, और धन्य है तो बोले ब्रज का गैया का जीवन धन्य, कृष्ण बंसुरी सुन करके गैया घास खाना भूल जाते बछड़े दूध पीना भूल जाते। अगर किसकी जीवन धन्य ब्रज का जो पक्षियों का जीवन धन्य, क्यों कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर सबके सब मुनि बन जाते हैं एकदम ध्यान लगा करके, हाँ मुनि लोग जैसे एकदम ध्यान लगा देती है, ध्यान लगा करके बंसुरी ध्वनि को करने में श्रवण करते रहती हैं। अगर जीवन किसके धन्य है कहते जो कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर के देखो इस सरोवर में कितने सुंदर सुंदर फूल खिल जाता है, पेड़ से मधु झरता है, बोले क्यों पेड़ से मधु क्यों झरता है, इसलिए राधा रानी कहती है कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, ये बंसुरी कहाँ से आया, ये बांस का एक टुकड़ा है, बांस के एक टुकड़ा है, इसलिए राधा रानी कहती है देखो जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं अगर किसी बंस से अगर एक बेटा अगर भजन करने के लिए चले जाए ना एक बेटा उसमें लाभ किया है, बोले त्रि सप्त भी पिता हो तो उसको 21 पीढ़ी उसको उधार हो जाता है, उसका कुल धन्य हो जाता है, पिता माता धन्य हो जाता है, जो स्वर्ग में जो पितृपुरुष नाचना शुरू कर देते अहो भाग्य है हमारा वंश में एक साधु पुरुष जन्म दिया, अभी कोई चिंता नहीं हमारी उधार हो जाएगा, वसुंधरा भी धन्य मन करती है, इसलिए क्यों उनका वंश से कोई भजन करने के लिए जाते हैं, तो ठीक उसी तरह ये बांस का टुकड़ा कहाँ से आया, कभी बांस वृक्ष, बांस वृक्ष ये टुकड़ा है, इसलिए कृष्ण जब ये बंसुरी को बजाते हैं वो बांस वृक्ष सोचते को बच्चा हमारा है ना, बांस का टुकड़ा किसके है मेरे, ये टुकड़े हैं मेरे हैं कृष्ण, इसलिए उनका आंखों से आंसू भी बहता है आनंद से, जैसे उनको पूर्व पुरुष लोग बाबू की जो कुल वृद्ध लोग जब देखते हैं कोई भजन करते हैं प्रसन्न होकर के आंसू बहाते हैं, इसलिए वृक्ष से मधु क्यों झरता है, बल आनंद से, बल ये फूल क्यों खिल गया, बल इसलिए फूल खिल गया, वो हंस रहे हैं खिल नहीं हंस रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जो बड़ा होता है ना माँ की दूध को पी करके बड़ा होता है, इसलिए जो बांस की वृक्ष बड़ा कैसे हुआ, तालाब का पानी पी कर तो बड़ा हुआ ना, माँ की दूध जैसे उसी तरह ये फूल नहीं खिल रहा है ये हंस रहे हैं, देखो हमारी तो दूध पी करे तो बांस बड़ा हुआ ना, वो हमारे टुकड़े को कृष्ण व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए राधा रानी हर चीज की अपना दिव्य नेत्र से इनका ही जीवन अधन्य है हमारा जीवन अधन्य है, इसलिए ये श्लोक को तभी बोल रहे हैं हंताय अश्रिय बला हरिदास वर्ज, इसलिए कहते हैं फिर हम कृष्ण सेवा में हम कैसे लग पाएंगे, ठाकुर को सेवा में हम कैसे लग पाएंगे, अगर तभी हम लग पाएंगे कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है खाए, बोले जब तक किसी महान साधु का कृपा नहीं हो जाता है
बिना महत पदो रजोभिषेकम। महत पुरुष का कृपा के बगैर जीव कभी भी भगवत सेवा को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए महत का साधु का कृपा चाहिए। लेकिन साधुओं में सबसे बड़े साधु कौन है? गिरिराज होगा। गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो गिरिराज बाबा की जय। कहते सबसे बड़े साधु कौन है? तो सब सो रहे हैं लगता है। इसलिए सबसे बड़े साधु कौन है? बोले हरिदास वैद्य। हरिदासों में ये गिरिराज गोवर्धन ये सर्वश्रेष्ठ साधु। इसलिए जब तक कोई महान पुरुष का कृपा नहीं होगा तब तक हम ये सेवा को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए गोपियां कहती चलो हम जाकर के मानसी गंगा में स्नान करेंगे, हरिदेव को दर्शन करेंगे, हैं करके सारे अभिलाषा हमारी पूरी होगी। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की कृपा से ही क्या होगा? श्री ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और हमारे जितने रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे गोस्वामियों ने गिरिराज से तलट में पास उन्होंने प्रार्थना किया है, उनकी आश्रय की उन्होंने कामना की। इसलिए अभी हम लोग को गिरिराज गोवर्धन जाएंगे, ठीक है? इसलिए जब फिर शाम को आएंगे ना कोशिश करेंगे और सब गिरिराज तथा हमारे सब भक्त लोग अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत बहुत गिरिराज की महिमा है, हम गिरिराज की महिमा सबके सब श्रवण करेंगे। अगर बोल सके तो हम लोग कोशिश करेंगे जैसे गिरिराज पूजा के बाद में ना गिरिराज जैसे छोटे परिक्रमा राधा कुंड की परिक्रमा होगा तो राधा कुंड की परिक्रमा कितना दो घंटा हो जाएगी? दो ढाई घंटा हो जाएगी। तो दोपहर में प्रसाद पा करके हम लोग निकल जाएंगे और छोटी परिक्रमा कर लेंगे, ठीक है? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज बाबा की जय। गुरुपाद पद्म की जय। गौर ब्रह्मा हरे हरे कृष्णा। अभी अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ भक्त लोग का कुछ जो गाड़ी है हम देखते हैं उसमें कितना भक्त लोग आ जाते हैं।